फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो का Y73 वर्सेस वीवो का Y31। इनका कंपैरिजन करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सिंपल कंपैरिजन है जो कि आपको मेन रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि क्या रैम है, क्या प्रोसेसर है, क्या इंटरनल मेमोरी है और क्या बैटरी है और क्या ही इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और साथ में साथ स्पीड टेस्ट भी करेंगे, जिसके कारण पता चल जाएगा कौन सी की कैसी परफॉर्मेंस रहती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके प्राइस के बारे में। प्राइस के बारे में बात करते हैं, वीवो Y73 जो है वो आपको देखने को मिलेगा 21,000 रुपये। अगर हम वीवो Y31 की बात करते हैं, ये आपको 16,500 का देखने को मिलेगा, 16,490 रुपये का देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वाइज आपने इन दोनों में कोई भी चला के देखना है या परचेज़ करना है, आप लिख के इस मोबाइल शॉप पे आ सकते हो। शॉप लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बैक लुक देख सकते हो, दोनों की काफ़ी ऑसम लग रही है। इसकी थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है। इसको लॉन्च हुए को मैं आपको बता दूं कि इसको लॉन्च हुए को Y31 को लॉन्च हुए को लगभग 4 महीने से 5 महीने हो चुके हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको लगभग 2 दिन हुए हैं लॉन्च हुए को। वाह, क्या बात है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके फ्रंट लुक के बारे में, दोनों के दोनों काफ़ी बढ़िया है। ये आपको थोड़ा वाटर ड्रॉप यू शेप में मिल जाता है, ये नोच में मिलता है, बल्कि वाटर ड्रॉप नोच में, ठीक है, जैसे पानी गिर रहा हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इनके लुक के बारे में या इनके स्टाइल के बारे में, तो डिस्प्ले साइज से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वीवो Y73 की डिस्प्ले साइज रहेगी वो रहेगी 6.4 इंच फुली HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। अगर हम वीवो Y31 की बात करते हैं, तो इसकी जो डिस्प्ले रहेगी वो रहेगी 6.5 इंच फुली HD प्लस IPS डिस्प्ले रहेगी, ठीक है। क्वालिटी के मामले में ये बेस्ट है। अगर देखा जाए तो 16,500 और 21,000 में काफ़ी डिफरेंस आता है। अब देखते हैं आगे और कहाँ डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, तो फ्रंट कैमरे में आपको लगभग दोनों फ़ोनों में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। बस शेप में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल गया, अदरवाइज दोनों के दोनों 16 मेगापिक्सल के सेम पोजीशन पे। राइट साइड में आप चेक कर सकते हो, वॉल्यूम की रोककर का अप डाउन का बटन मिलेगा, पर जो फिंगरप्रिंट है वो वीवो Y31 में आपको बटन के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, पावर लॉक बटन पे। इसमें आपको नॉर्मल बटन देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले मिलेगा इसका। अगर लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो वीवो Y73 में आपको सिम स्लॉट आपको लेफ्ट साइड में मिलती है, पर जो वीवो का Y31 है उसमें आपको सिम स्लॉट नहीं देखने को मिलती, साइड में ऊपर देखने को मिलती है। और नॉइज़ कैंसलिंग के लिए सेकेंडरी माइक आपको ऊपर देखने को मिल जाता है, जो कि बढ़िया है। सिम स्लॉट आपको ऊपर देखने को मिल गई Y31 में। अगर हम नीचे की बात करते हैं, तो आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, टाइप सी चार्जर देखने को मिल जाता है, मेन माइक देखने को मिल जाता है और 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को सेम जगह पे मिल जाता है। अगर हम बैक की बात करते हैं, तो बैक में आप चेक कर सकते हो, दोनों के कैमरे काफ़ी ऑसम है। और कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लुक अच्छी लगी। मुझे वैसे इसकी लुक अच्छी लगी और वाटर ड्रॉप नोच मुझे पसंद नहीं है, मुझे पंच होल पसंद है। तो अगर बैक कैमरों की बात करते हैं, सबसे पहले 73 की बात करते हैं, तो इसका जो बैक कैमरा रहने वाला है वो 64 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल रहने वाला है। साथ में आपको फ्लैश देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया है, ठीक है फ्रेंड्स, लॉन्ग फ्लैश। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नीचे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसके बैक जो सर्फर है वो मैट लुक का, जैसे ये शाइनिंग है, हालांकि हैवी ये थोड़ा सा मैट है, पर इसमें फिर भी शाइनिंग आ जाती है। और इसकी जो ये इसकी बात करते हैं, ये कर्व मिल जाती है, ये एकदम सही मिलती है, बल्कि ये ऐसा बिस्कुट टाइप मुझे अच्छा लग रहा है मोबाइल। आजकल ये अच्छा लगता है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। बाकी आप बताना कि आपको ये अच्छी लगती है जो ये देखते हो राउंड शेप में, या फिर आपको एकदम कर्व शेप में अच्छी लगती है। मुझे वैसे आजकल ये अच्छी लगती है। उसके बाद अगर इसके कैमरों की बात करते हो, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा, साथ में फ्लैश देखने को मिल जाएगी। नीचे कुछ ब्रांडिंग मिल जाती है लिखी हुई लेंस की, नीचे आपको वीवो देखने को मिलेगा। बाकी लेआउट मुझे इसका नहीं, इसका ज़्यादा पसंद आया है, ठीक है। इसमें फिंगरप्रिंट आसानी से छपे हुए दिखते नहीं, इसमें थोड़े दिख जाते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रंट के वेरिएंट की, इनके वेरिएंट की बात करते हैं, तो आपको दोनों के दोनों वेरिएंट में डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलता है। ये आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी, पर इसमें एक प्लस पॉइंट है, यदि आप इसकी रैम 11GB करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। कैसे, आपको सेटिंग में जाना है, चाहे आप यहाँ से चले जाओ, चाहे आप गैलरी में से चले जाओ, आपको ऊपर स्वैप करना है। जैसे आप ऊपर स्वैप करोगे, सॉरी ये खुल गया, ऊपर स्वैप करोगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रैम, रैम पे क्लिक करोगे, देन ऊपर देखेगा देखने को मिलेगा 8GB रैम प्लस 3GB। आप क्लिक करोगे यहाँ पे, आप ऑन करोगे तो 3GB रैम आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। अगर हम ये इसकी बात करते हैं, तो इसमें ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। हम एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमें यहाँ पे कहीं पे भी रैम का ऑप्शन नहीं मिलता। स्टोरेज का जरूर मिलता है, पर रैम का ऑप्शन नहीं मिलता, जिसके कारण हम इसकी रैम नहीं बढ़ा सकते। मतलब कि इसमें दो वेरिएंट आते हैं, मैं आपको इसका वेरिएंट बता देता हूँ। इसमें जो रहेंगे 6GB रैम रहेगी
और 128 GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी। और अगर हम इसके बात करते हैं, इसका एक और वेरिएंट है जो कि थोड़ा सस्ता मिलता है, वो 13,000 का है, वो दूसरे मॉडल में मिलेगा, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि इनके जो प्रोसेसर रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं अलग अलग, काफ़ी डिफरेंस रहने वाला है। इसमें हेलियो G95 मिलेगा आपको देखने के लिए। सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि रेगुलर काफ़ी वीडियो शूट करता है तो नाम ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, आगे पीछे हो ही जाते हैं, जब आप किस चीज़ को आप समझ पाओगे। तो इसमें हेलियो पी का आपको मीडिया टेक हेलियो का आपको G95 प्रोसेसर देखने को मिलेगा वीवो के Y73 में। अगर हम 31 की बात करते हैं, Y37 की बात करते हैं, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिलेगा, 662 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अगर बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी इसमें आपको 5000 mAh मिलेगी 18 वोल्ट के आउटपुट के चार्जर के साथ। इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी 33 वोल्ट के आउटपुट के चार्जर के साथ। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिफरेंस में आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिल जाएगा। अब हम इसका ना एप्लीकेशन रेट टेस्ट भी थोड़ा सा कर ही लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। उससे पहले हम बैकग्राउंड क्लियर कर देते हैं दोनों का, इसका तो क्लियर ही है, खैर इसका क्लियर कर दिया। अब हम देखते हैं कि कैसी 6 GB रैम परफॉर्मेंस करती है। वैसे 6 GB रैम अच्छी होती है, इतनी माड़ी भी नहीं होती। तो चलो सबसे पहले हम देख ही लेते हैं, गूगल इसने पहले खोल लिए, उसके बाद इसको क्लियर नहीं करना, उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं फिर से। जीमेल में ये विनर रहता है, उसके बाद मैप में भी ये विनर रहता है, उसके बाद YouTube में ये विनर रहता है, उसके बाद YT म्यूज़िक, अगर आपने यूज़ किया तो कमेंट करके जरूर बताना, YT म्यूज़िक में ये विनर रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस के मामले में ये एक प्लस पॉइंट आगे जा रहा है, क्योंकि 11 GB रैम यूज़ हो रही है, 6 GB रैम यूज़ हो रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आपका बजट कम है, आप कम बजट में लेना चाहते हो ये ले सकते हो, अगर आपका 20,000 से प्लस हो सकता है 100 रुपये तो आप ये वजह फ़ोन ले सकते हो। तो ओवरऑल मैंने कंपैरिजन करके बता दिया, कोई चीज़ मिस होगी तो मुझे माफ़ कर देना। और इन दोनों में से आपको कौन सा सेट बढ़िया लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इसकी रैम आप बढ़ा सकते हो, रैम बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको ज़्यादा बेटर हो जाएगा, रैम बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, तो थोड़ी सी बैटरी कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर गेमिंग खेलनी है तो बढ़ा सकते हो, नॉर्मल टास्क करने जैसे फेसबुक देखनी, व्हाट्सअप चलाना है तो आप इसको 3 GB रैम पे रखो, मैं आपको यही सलाह दूंगा। वैसे ओवरऑल काफ़ी अच्छा फीचर है कि आप इसकी रैम बढ़ा सकते हो जब आपको चाहे, पर जब रैम बढ़ेगी तो एक बार याद रखना, जो इसकी इंटरनल मेमोरी वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी इसकी इस साइड में, क्योंकि वो जो पावर लेगी वो इंटरनल मेमोरी से थोड़ी सी पावर इसकी लेगी, ठीक है। तो ये था इसका कुछ कंपेरिजन, ओवरऑल मैंने सारा डिफरेंस बता दिया है, क्या क्या आपको रैम मिलती है, क्या क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे दोनों के सेम है, लोकेशन नंबर की ये यू है, ये बटर ड्रॉप नोच है, ठीक है, बाकी ओवरऑल सारे सेम है। तो चलो वीडियो का एंड करें, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना। फ्रेंड्स फाइनली मैंने अपना ओपिनियन दे दिया दोनों का, ठीक है, 4 महीने और ये 2 दिन, आपको जो सा फ़ोन अच्छा लगा आप परचेज कर सकते हो, बाकी अपना ओपिनियन दोनों के आगे है, ठीक है। और नाम गलत लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि रेगुलर शूट करता हूँ तो हमेशा मोबाइल के जो माइंड में घूमते रहते हैं कौन से क्या प्रोसेसर है क्या नाम है, तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है जब खासकर कोई नया फ़ोन लॉन्च हुआ हो पुराने के साथ, जैसे कि इसका मैंने V20 के साथ किया हुआ है, V21 के साथ किया हुआ है, अभी इसके और भी काफ़ी के साथ कंपैरिजन चल रहा है, क्योंकि जब मैं शूट करता हूँ तो मैं रेगुलर ही शूट करता हूँ। तो आप किसके साथ इसका कंपैरिजन देख लेना चाहते हो, चैनल पे मैंने वैसे काफ़ी जनों के जो कोई सेट लेटेस्ट आता है मोस्टली मैं सबके साथ कंपेरिजन करता ही हूँ। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर आपने इन दोनों में इसको चला के देखना है तो लक्की इस मोबाइल शॉप आ सकते हैं, शॉप लोकेशन लेंगे डिस्क्रिप्शन में, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो लाइक कर देना ऐसे, बाय।